नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। मैं एजुकेशन को लेके आज हाजिर हूं आपके दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत राम राज बल्लाजी देवी इंटर कॉलेज अरखापुर चिल्मा बाजार में हूं। इस समय विद्यालयों में एडमिशन का कार्य चल रहा है और मैं अभिभावकों की अपील पे आपको विद्यालय वार दिखा रहा हूँ, किस किस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं और पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ से शिक्षक रखे गए हैं। यह विद्यालय ऐसा है जहाँ पर जो शिक्षक रखे गए हैं ये बस्ती से आते हैं, और यह विद्यालय ऐसा है जहाँ पर CBSE बोर्ड और हिंदी बोर्ड यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों की पढ़ाई होती है, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है। आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे ये पूरे रूम बने हुए हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। यहाँ तक की है कि हर रोड पे इनके वाहन हैं और CCTV कैमरे की निगरानी पढ़ाई होती है। इनके जो अध्यापक पढ़ाने आते हैं वो मुख्यालय से आते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर जो एक शिक्षक को अच्छी वेतन मिलेगा तो पढ़ाई का माहौल बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसे में यहाँ के जो हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके जो विद्यालय में नामांकन के लिए क्या व्यवस्था है, नामांकन के लिए कितनी सीटें हैं। अक्सर पिछली बार देखा गया था कि इनके विद्यालय में नामांकन के लिए नो एंट्री लग गई थी और जल्द से जल्द इनके विद्यालय में नामांकन पूरे हो गए थे। इस वर्ष का हाल क्या है और क्या व्यवस्थाएं ये दे रहे हैं, यहाँ तक कि प्रबंधक से बात हो रही थी अभी, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नामांकन का करके और अच्छी पढ़ाई दिला सकता है, यहाँ पर इनके द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, इस बार पिछले साल तो आपके यहाँ तो वो जल्दी फुल हो गए थे, आपकी नो एंट्री हो गई थी, इस वर्ष क्या हाल है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरे तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाई कराई जा रही है, वो भी शहर से लाए हुए टीचरों द्वारा। कुशल टीचर हमारे यहाँ हैं और सबसे कम शुल्क में सबसे अच्छी व्यवस्था देने का पूरा मतलब व्यवस्था किया गया है, और हम हर मार्गों पर वाहन की सुविधा दे रहे हैं, CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं कि कब टीचर कहाँ कैसे क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। और यह आप लोगों को यह भी अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपना एडमिशन करा सकता है, और एडमिशन कराने के साथ ही साथ LKG से इंटरमीडिएट तक के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। आपके बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से हम लोग उज्ज्वल करके यहाँ से देंगे और आने वाला भविष्य आपके बच्चों के लिए उज्ज्वलमय रहेगा। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप लोगों से अपील है कि हमारे यहाँ सीटें सीमित हैं, आप लोग जल्दी करें, जल्दी आएं, जल्दी पाएं, व्यवस्था के अनुसार आप एडमिशन कराएं और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएं। एक सवाल है प्रबंधक जी आपसे कि अक्सर जो गांव के हमारे विद्यालय होते हैं इसमें देखा जाता है कि हमारे जो अभिभावक हैं ये फीस नहीं दे पाते हैं, और फीस ना देने के कारण तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो अध्यापकों को वेतन नहीं दे पाते हैं, ऐसे संकट से आप लोग कैसे उभरते हैं? अब ये तो दिक्कत है ही है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो भाई देखिए यहाँ हर गरीब अमीर तो पड़े ही हैं जी। तो जैसे चूंकि गरीबों का मेन मसला है कि जैसे जब उनका कृषि का जैसे गेहूं कटाई हुई, जब गेहूं बिकेगा या गन्ने की छिलाई रुदाई जब हो जाएगी, गन्ने का पैसा आएगा, अक्सर ये लोग पेमेंट तब दे पाते हैं। और ऐसे भी कुछ गार्जियन हैं जो मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा शहरों में दे करके वहां दे पाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण में ये सोचते हैं कि जैसे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी शिक्षा नहीं होगी, ये जानबूझ करके लोग देने में भी आनाकानी करते हैं। बहरहाल तब भी हम लोग हर स्तर से ये कोशिश करते हुए कि चलिए मतलब क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के विकास को देखते हुए कम से कम पैसे में, मतलब हम हर गरीब अमीर के बच्चों के हिसाब से, मतलब गरीब से गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और अच्छा स्थान मतलब अपना हासिल कर सके, इस मुहिम के साथ हम विद्यालय चला रहे हैं। हमको विद्यालय से कमाई का कोई लालसा नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र का विकास हो, यह उम्मीद और यह आशा लेकर के हम विद्यालय चला रहे हैं। तो थोड़ा हम पिछली चर्चा करें कि जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट निकला था तो आपके बच्चे ने अच्छे अंक से पास किए थे, जो विद्यालय में का नाम रोशन किए थे, इस वर्ष क्या उम्मीद रहेगी? इस वर्ष तो यह है कि हमारे विद्यालय से मतलब जिले नहीं प्रदेश में भी बच्चा नाम करेगा, साथ ही साथ उम्मीद यह है कि कम से कम 90% बच्चे हमारे मतलब 90% के ऊपर आएंगे। देखिए, इस विद्यालय में
प्रबंधक जी स्वयं विद्यालय को देखते हैं और निश्चित तौर पर विद्यालय में समय देते हैं। जब एक एक प्रबंधक विद्यालय में समय देता है तो निश्चित तौर पर विद्यालय में जो पढ़ाई होती है बड़ी अच्छी होती है। इनका दावा है कि इनके बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आता है तो इनके विद्यालय के बच्चे नाम रोशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो नामांकन की सीट है सीमित है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार से लोगों को इंतजार ना करना पड़े। पिछली बार वर्ष सीट फुल हो गई थी, इस बार सीट फुल ना होने पावे, जल्द से जल्द विद्यालय में पहुंचे और एडमिशन को करा लें। अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को कहाँ पर बेहतर शिक्षा मिल सकती है, कहाँ पर योग्य शिक्षक हैं, कहाँ पर हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो ऐसे में हम आपको विद्यालय बार दिखा रहे हैं, ऐसे में जहाँ भी आपको इच्छा कहे आप इस विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आपका संपर्क नंबर क्या है? हमारा 3-3 संपर्क नंबर है, 99-84-38-40-97, 94-50-30-82-90, 97-21-63-63-10 और 73-79-77-15-47। तो देखिए ये इनका नंबर है, कोई भी अभिभावक घर बैठे इनसे संपर्क कर सकता है। इनके कार्यालय खुले रहते हैं, कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने बच्चों के एडमिशन करा सकता है। तो आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।